इस वक्त आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से, मैं आपके साथ सिमरन। इस वक्त की एक अपडेट मैं बता दूं कि हमेशा ही अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले सांसद सुधीर गुप्ता ने इस बार एक और अजीबोगरीब बयान दे दिया है। जी हाँ, उन्होंने इस बार जो है निशाना आमिर खान के ऊपर साधा है। उन्होंने भारत में बढ़ती हुई आबादी को लेकर जो है आमिर खान जैसे लोगों को जिम्मेदार ठहराया है। जी, उन्होंने अपने ये हिंदूवादी नेता के रूप में अपनी एक अलग ही छवि बनाए। मंदसौर से सांसद सुधीर गुप्ता ने जो है अजीबोगरीब बयान दिया है। इस बार उनके जो है निशाने पर फिल्म अभिनेता आमिर खान है। जी हाँ, जो कुछ दिनों से अपनी दूसरी पत्नी किरण राव को लेकर चर्चाओं में है, जिन्हें उन्होंने जो है तलाक दे दिया है। उनका जो बयान है आप खुद सुनिए। हीरो आमिर खान है, अब पहली पत्नी रीना दत्ता अपने दो बच्चों के साथ, दूसरी पत्नी किरण राव अपने बच्चे के साथ, कहां भटकेगी उसकी चिंता नहीं। लेकिन दादा आमिर तीसरी खोज में जुड़ गए। ये भारत का संदेश है दुनिया को, और ये हीरो है। ये जो दुनिया कहती थी कि ये अंडा बेचने के अलावा ज्यादा कुछ अकल है नहीं, इतना ही करे तो ज्यादा ठीक है। भारत की आबादी को असंतुलित करने में आमिर खान जैसे लोगों का हाथ, ये दुर्भाग्य है। तो ये थी इस वक्त की अपडेट। ऐसे हर छोटी से बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ वॉइस ऑफ एमपी पर। जय हिंद, जय भारत।